वैसे तो पॉलिटिक्स में फिल्मी सितारों का आना कोई नई बात नहीं, पर 2019 की बात की जाए तो इस बार के चुनावी मौसम में कई सेलिब्रिटीज ने अपनी दस्तक दी है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे। बात करें सनी देओल की, जो कि पॉलिटिक्स में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन किया है और इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में वे गुरदासपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। आइकॉनिक फ्रेंचाइजी ऑनर एंड सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने उस समय सबको चौंका दिया जब उनकी खबरें बीजेपी से जुड़ने की आई। फैशन एंड हेयर स्टाइलिंग इंडस्ट्री से नाम कमाने वाले हबीब अब बीजेपी में अपनी राजनीतिक पारी खेलेंगे। इसी लिस्ट में उर्मिला मालोंडकर भी एक नाम जुड़ गया है। अपने विचारों को कांग्रेस से मिलने का दावा करने वाली उर्मिला देश में बढ़ रही इंटॉलरेंस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। पॉपुलर सेलिब्रिटी नुसरत जहान बंगाली सिनेमा का जाना पहचाना नाम है। नुसरत ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कम तजुर्बे के कारण आलोचनाओं को झेलने वाली मिमी चक्रवर्ती ने भी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। मिमी जादवपुर से चुनाव लड़कर अपना पॉलिटिकल डेब्यू करेंगी। अपने दमदार एक्टिंग से सबके दिलों पर राज करने वाले प्रकाश राज आजाद उम्मीदवार के तौर पर बेंगलुरु सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे। डेली सॉप क्वीन शिल्पा शिंदे ने बहुत से टीवी शोज में काम किया है। कुछ ही दिनों पहले ही कांग्रेस से नाता जोड़ चुकी शिल्पा ने लोकसभा इलेक्शंस के लिए अपनी टिकट भी पक्की कर ली है। बिग बॉस सीजन 11 से मशहूर हुई अर्शी खान ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अर्शी खान को हाल ही में महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। फेमस एक्टर एंड पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा 1968 में मिस यंग इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। इस बार वे समाजवादी पार्टी की टिकट से लखनऊ से चुनाव लड़ेंगी। फेमस इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर भी इसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। गौतम गंभीर बीजेपी के टिकट से ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे।